वो देख देख उस लड़की को देखो। अरे उठो उठो, मुझे क्यों बचा रहे हैं आप लोगों ने? आप जान के देने जा रही थी, पागल हो? मुझे मरने देते, क्यों बचाया है आप लोगों ने मुझे? तुम अपने जान क्यों देना चाहती थी? बस मरना है। क्या हुआ था? मैं तुम्हें क्या बताऊं? पहले रोना बंद करो और बताओ क्या हुआ था। रोने से सब ठीक नहीं हो जाता। मेरे साथ धोखा हुआ था, मुझे गांव वालों ने नीच बोलकर गांव से निकाल दिया। इसमें मेरा क्या कसूर? मेरा कोई भी नहीं है। इसलिए मैं मरने जा रही थी। मुझे मरने क्यों नहीं दिया? तुम लोगों ने क्यों बचाया? मरने देते मुझे, मर जाती तो मैं, मेरे सर से कलम उतर जाता कि मैं नीच जात की हूँ। मुझे मरने देते तुम लोग, बचा के क्या हासिल हुआ है तुम लोगों को? चल निकल जा यहाँ से। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मेरी बात सुनो, मुझे मत निकालो, विनती करती हूँ आप सब लोगों से। मैंने इसे प्यार किया था, मुझे नहीं पता इसको क्या हुआ है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम्हें बताओ मैं क्या करूँ? अच्छा, तो ये अंधविश्वास की कहानी है। आज भी हमारे समाज में ऊंच नीच जात पात जैसी समस्याएं हैं। एक काम करते हैं, तुम्हारे गांव वालों को अंधविश्वास की मिठाई खिलाते हैं। चलो इसकी तैयारी करते हैं। मैंने इस काम के लिए एक आदमी को लगाया हुआ है, शाम को बाबा को लेके आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब धैर्य रखो, सब शांत रहिए। अरे हम ये बोलना चाहते हैं, ये हो क्या रहा है सरपंच जी? सब क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं आप बताइए? सब लोग परेशान हैं, ये देखिए ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे, हम नहीं समझ सकते। सही बात है, सही बात है। मैं क्या बोलता मुखिया जी, कुछ कीजिए। आपके ऊपर गांव की जिम्मेदारी है, आप हमारे मुखिया जी हैं, हम सब लोग आपसे मदद मांगते हैं। पर मुखिया जी आप ही बताइए, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे गांव में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या? मुखिया जी आप इस गांव के मुखिया हैं, आप हमारी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? इसमें इनकी क्या गलती है? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर इस गांव में चुड़ैल आ गई है तो इसमें हमारी क्या गलती है? हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, कुछ तो कीजिए। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा, कब तक? देखिए मुखिया जी, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, चुड़ैल ने अगर इन्हें नुकसान पहुंचा दिया तो हम क्या करेंगे, बताइए, आप ही कुछ बताइए। मुखिया जी हमारे इस गांव में चुड़ैल के प्रकोप से रहना बहुत मुश्किल हो गया है, आप ही कुछ करिए। मुखिया जी कुछ कीजिए, आखिर कब तक हम लोग ऐसे सहते रहेंगे? छोटे छोटे बच्चे भी हैं हमारे गाँव में। अरे गाँव वालों आप ही तो इनको कुछ बोलो। सरपंच जी मेरे पापा को कैसे बुलवा दीजिए, प्लीज नमस्ते सरपंच जी, मेरे पापा को कैसे बुलवा दीजिए, मेरे पापा कहाँ चले गए, कैसे बुलवा दीजिए सरपंच जी, बुलवा दीजिए मेरे पापा को, मम्मी मारते, पापा कहाँ चले गए। बाबा की जय हो, तांत्रिक बाबा को लेके आ गया हूँ मैं। अब इस गांव में सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा, अब जो भी होगा सब कुछ सही होगा। अरे खुश हो जाओ, बोलो तांत्रिक बाबा की, बाबा की जय हो, चामुंडा चामुंडा।
घोर अपराध हुआ इस गांव में। तुम सब ने मिलकर बहुत बड़ा पाप किया है और वो चुड़ैल तुम सबको एक एक करके खत्म कर देगी, सबको खत्म कर देगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। और इस चुड़ैल से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम सबको बलि देनी होगी, दान देना होगा। इसके लिए तुम कल सब सुबह पूरा गांव मेरे आश्रम आएगा। चामुंडे चामुंडे। और सुनो, सूर्यास्त के समय ये जरूर ध्यान रहे, कोई भी स्नान नहीं करेगा। अरे वो आपने सुना तांत्रिक बाबा ने क्या कहा? इस गांव में एक साया मंडरा रहा है, अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अकेले बाहर मत जाया करिए, शाम को नहाना मत, याद है ना तांत्रिक बाबा ने क्या कहा था? आराम से आना, आराम से जाना, किसी के लफड़े में मत पड़ना। आपको पता है ना हमारे छोटे छोटे बच्चे, तो प्लीज आराम से आना, थोड़ा ध्यान दीजिए। और आप देवर जी, आप तो गांव के बाहर जाओ ही मत, इसलिए थोड़ा ध्यान देते जाओ, और रात को समय पे घर आना है। सुनिए सुनिए जी, हमारे गांव में लोग अचानक से गायब हो रहे हैं, शायद हमारे गांव में कोई भूत का साया है। पागल हो गई है? बाबा ने क्या बोला पता है? याद है ये चुड़ैल वुड़ैल का नाटक फैला हुआ है ना, सब बकवास है। भगवान पर भरोसा कर और सो जा चुपचाप। भगवान हमें उसके आगे कोई शैतानी शक्ति काम नहीं करती। अब सो जा चुपचाप। सो जाओ बेटे सो जाओ। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आना। सुना तुमने, गांव में चुड़ैल का साया है। हाँ, कहीं वो चुड़ैल हमारे घर पे ना आ जाए। सो जा जल्दी, सो जा। चल सो जा सो जा। बाबा कुछ करो, बाबा आप कुछ करो, बाबा चुड़ैल से बचाओ, बाबा दिमाग खराब हो गया, बाबा अब क्या करें, बाबा प्लीज बचाओ, बाबा चुड़ैल से बचाओ, पूरा जीना दुश्वार हो गया, बाबा बाबा आप कुछ करो, बाबा बाबा तंत्र मंत्र विद्या से कुछ भी करो, बाबा हमारे गांव को बचा लो, बाबा 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 आपने दान देने को कहा था, हमारे पास जो कुछ था हम सब ने सब कुछ दान दे दिया, अब आप ही कुछ उपाय बताइए। बाबा आपने जैसे करने को कहा था हम सब ने वैसे ही किया, अब आप कुछ तो उपाय बताइए, कुछ उपाय तो बताइए बाबा। बाबा उस चुड़ैल के प्रकोप से हमें बचा लो बाबा, कोई केवल आप ही ऐसा कर सकते हैं बाबा, और कोई नहीं है, आप बचा लो बाबा, हम आपके ही सहारे हैं बाबा, हमें बस कैसे भी बचा लो बाबा। हाँ बाबा आप ज़रूर बचा लेंगे हमें। शांत हो जाइए शांत हो जाइए, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मैंने अपनी तंत्र विद्या से और अपनी साधना से उस चुड़ैल को अपने वश में कर लिया है, और आज रात मैं आप लोगों की पंचायत सभा में उस चुड़ैल को मैं आप सबके सामने पेश करने वाला हूँ, इसलिए अब आपको चुड़ैल से कोई खतरा नहीं है, आप निश्चिंत होकर अपने घर जाइए, रात को पंचायत सभा में वो चुड़ैल आपके सामने होगी।
चामुंडा चामुंडा। अरे देखो यार बहुत प्रॉब्लम हो गया है, बाबा बचा ले सरपंच जी, कैसे जीतूंगा, जल्दी बाबा बचा ले, आए नहीं है ये बाबा, एक भूत जाने चाहिए, पता नहीं चल पा रहा कैसे होगा। बाबा ने बोला है कि चुड़ैल को सबके सामने तू क्या बोलता है, अरे देख बाबा जी आ गए, बाबा चामुंडा चामुंडा जय हो, बाबा की 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 जय हो। तुम सबकी समस्या का निवारण मैं करके आया हूँ। इस चुड़ैल को मैंने अपनी तांत्रिक विद्या से इस नारियल में कैद कर लिया है, देखना चाहोगे? हाँ बाबा, हाँ बाबा, हाँ उधर देखो। अरे ये तो वही लड़की जात वाली यहाँ पे क्या कर रही है, ये जिसको गांव वाले निकालो यहाँ से, ये लड़की जात वाली, ये बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, निकालो निकालो इसको। हाँ मैं वही हूँ, आप सब लोगों ने मुझे ही गांव से निकाल दिया था, आपसे अच्छे तो ये हैं जिसने मेरी जान बचाई। लानत है तुम लोगों पर, आज के इस जमाने में तुम ऊंच नीच की बातें करते हो, इन सबके बीच में क्या गलती थी इस बेचारी की। और हाँ मैं कोई बाबा बाबा नहीं हूँ और ना ही ये सब मेरे चेले हैं, ये मेरे दोस्त हैं और तुम सब लोगों को ये पिक्चर दिखाने के लिए हमने नाटक किया, देखना चाहते हो वो देखो। हाँ ये वही लोग हैं जिन लोगों की चोरी हुई थी और इनको चुराया था मेरे दोस्तों ने मेरे कहने पर, हमें माफ कर दो, हमको माफ कर दो भाई, हमें माफ कर दो, माफ कर दो मेरा भाई, मेरा भाई इतने दिन से कहाँ था मेरा भाई, बेटा? मेरा मन नहीं लग रहा था मेरा भाई, अच्छा हुआ आ गया। मैं आप सभी से क्षमा मांगना चाहता हूँ, मैंने इसे सच्चा प्यार किया था, मैं अब सबके सामने इसे स्वीकारना चाहता हूँ, प्लीज। आज के बाद मैं इसे अपनी धर्मपत्नी मानूंगा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप सब लोग कान खोलकर सुनिए, आज के बाद हमारे गांव में कोई भी जाति धर्म किसी भी बात का नाम नहीं लेगा, हमारा गांव एकता का गांव है, हमारे गांव में सब मिलजुल कर रहेंगे। ये गांव की खूबसूरती थी स्त्री जात और आज हमने उसी स्त्री जात को गांव से बाहर निकालने की कितनी शर्म की बात है हम जैसे लोगों के लिए, कि हमने ऊंच नीच के भाव को ना समझ के ऐसे काले अंधेरे में छा गए और हमने अपनी इस गांव की लड़की अपने गांव की बेटी के संग बुरा किया। आज के बाद हमारे गांव में कोई भी ऊंच नीच जात पात इस बारे में कोई बात नहीं होगा, हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सही बात है।